फाइनली 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 अब वो आखिरी समय आ गया जिसमें आप लोगों की यहाँ पे GDS की आप लोगों की यहाँ पे GDS रिजल्ट की यहाँ पे आप कभी भी इंडिया पोस्ट यहाँ पे आप सब लोगों की यहाँ पे फोर्थ लिस्ट यहाँ पे जारी कर सकता है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वही आप लोगों का सही समय आ गया है यहाँ पे आप लोगों की कभी भी इंडिया पोस्ट के द्वारा यहाँ पे फोर्थ लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। यानी कभी भी, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हो इंडिया पोस्ट के द्वारा जो थर्ड लिस्ट के अंतर्गत जो 14,000 थर्ड लिस्ट के अंतर्गत 14,910 कैंडिडेट को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, 14,910 कैंडिडेट। और उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे क्या चल रहा है, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे DV चल रहा है, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे DV चल रहा है। अब जैसे जैसे DV की यहाँ पे लास्ट डेट उन कैंडिडेट की जो GDS की थर्ड लिस्ट है, 14,910 कैंडिडेट में से DV की यहाँ पे लास्ट डेट थी वो आप लोगों के यहाँ पे 16 अगस्त थी, 16 अगस्त थी, और आज हो गई आप लोगों के यहाँ पे 18 अगस्त रह गई। यानी कि 2 दिन ज़्यादा हो रहे हैं आज से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आज है आप लोगों के यहाँ पे 18 अगस्त और आप सब लोगों को यहाँ पे 16 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट जा चुकी है जिन भाइयों का DV में यहाँ पे क्या हुआ है। अब 14,910 कैंडिडेट में से यहाँ पे क्या हुआ है DV के अंतर्गत और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं, तो रिजेक्ट होने के बाद में जो आने वाली लिस्ट है वो है फोर्थ लिस्ट। और फोर्थ लिस्ट आप सब लोगों के यहाँ पे कभी भी इंडिया पोस्ट के द्वारा अपडेट की जा सकती है। और आप सब लोगों का प्यार इतना मिल रहा है GDS रिजल्ट 2022 को लेके। और हाँ दोस्तों, मेरी मेहनत को देखना आप लोग, वो मेरी मेहनत को देखना, यही मेरी मेहनत है, यही मेरा प्यार है जो आप लोगों को यहाँ पे GDS रिजल्ट 2022 को लेके आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक साथ 23 राज्यों की यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूँ, एक साथ 23 राज्य की कट ऑफ, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आज आप सब लोगों से पहली बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप सब लोग अपने अपने राज्यों की यहाँ पे कट ऑफ को जान पाओ। और सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पे 10वीं की अंकतालिका निकाल लो और 10वीं की अंकतालिका में आप लोग यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ उस कट ऑफ को आप लोग मिलाओ कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत तो सिलेक्शन लेके ही रहेंगे और क्या खाक मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीनों में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आप सब लोगों को लिए यहाँ पे, तो GDS रिजल्ट 2022 को लेके ये वीडियो अपना स्टार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 23 राज्यों की यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं। और 23 राज्य कौन कौन से, सभी 23 राज्यों की यहाँ पे जो यहाँ पे इंडिया पोस्ट के जो भी यहाँ पे ऑफिशियल 23 सर्कल है, ऑफिशियल जो आप लोगों के यहाँ पे इंडिया पोस्ट के यहाँ पे 23 सर्कल है, इन 23 राज्यों की यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों से मैं यहाँ पे धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो। तो ये देखो अब लोग हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, देखना आज ये वीडियो कितना मजा आने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मुझे तो वास्तव में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के साथ में। तो ये आप लोगों की यहाँ पे लिस्ट है, आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ है और मुझे कट ऑफ बताने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये सब आप लोगों का प्यार की वजह से जो मैंने कट ऑफ तैयार की है। यहाँ पे सेकेंड लिस्ट और ये थर्ड लिस्ट दोनों ही लिस्ट को देख के मैंने आप लोगों की यहाँ पे फोर्थ लिस्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रही आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं आसाम। अब भाई साहब लाइन लगा दूंगा, अब देख जाओ फटाफट आप लोगों को यहाँ पे मैं कट ऑफ की बारिश कर देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। देखो तो जनरल की, आसाम की, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं तो उत्तर प्रदेश हूँ तो मैं आसाम की कट ऑफ नहीं देखूंगा। देख भाई आसाम की इसलिए देख, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम के अंदर आप लोग फॉर्म भरोगे तो अलग राज्यों से पता लग जाएगा कि आपको किस किस राज्य की यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है या कम जाती है, किस राज्य की अधिक जाती है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत पता लग जाएगा। तो जनरल की यहाँ पे आसाम के अंतर्गत जाने वाली है, फटाफट बोलूँगा, कुछ भी टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, 83 से लेके 85% तक जाने वाली है। और OBC की बात करें यहाँ पे, अरे भाई डर जा रहे भाई साहब, हमको कट ऑफ बताने दे। OBC की यहाँ पे बात करें तो OBC की आप लोगों की यहाँ पे 82 से लेकर 82% तक। और यहाँ पे SC की बात करें 79 से लेकर 81 तक, ST की बात करें 75 से लेकर 80% तक जा सकती है। EWS की बात करें 81 से लेकर
83% तक जा सकती है। तो ये आप सब लोगों का यहाँ पे आसाम राज्य कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी बहुत सारे कमेंट आए आप लोगों के यहाँ पे, कट ऑफ बताओ। तो जनरल की यहाँ पे जाने वाली है, जनरल की आसाम के अंतर्गत यहाँ पे जाने वाली है आप लोगों की, जनरल की यहाँ पे 88 से लेकर 93% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे जाने वाली है 87 से लेकर 91% के बीच में जाने वाली है। एससी की यहाँ पे जाने वाली है 84% से लेकर 86% तक। एसटी की जाने वाली है 79 से लेकर 82% तक के बीच में ये जाने वाली है। और हम लोग नीचे कट ऑफ देख लेते हैं, और ये ईडोलेस की कट ऑफ आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत फोर्थ लिस्ट की जो कट ऑफ जाने वाली है 84 से लेकर 86% तक जाने वाली है। अब देखते हैं हमारा दूसरा छत्तीसगढ़ की देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ का यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों का, छत्तीसगढ़ का कट ऑफ देखो, जनरल की यहाँ पे जाएगी आप लोगों की 92% से लेकर 94% तक जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे जाने वाली है 90 से लेकर 92% तक। एससी की जाने वाली है 85 से लेकर 87.6% के बीच में जाने वाली है। और नीचे जो आप लोगों का नीचे कौन सा है आप लोगों के यहाँ पे, नीचे है आप लोगों के यहाँ पे एसटी की जाने वाली है 86 से लेकर 87.8%। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी कट ऑफ में, और ऐसे आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट आने वाली है उसके अंतर्गत भी आप लोगों को ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं आप लोगों ने यूआर अनरिजर्व की जो कैटेगरी और यहाँ पे आप लोगों का ओबीसी बराबर देखी होगी आप लोगों ने, इतनी इतनी कट ऑफ पास पास जा रही है। तो ईडोलेस की यहाँ पे 88% 88 से 92 तक यहाँ पे जा सकती है आप लोगों की यहाँ पे। तो ये कट ऑफ जो हुई ये छत्तीसगढ़ की हो गई। अब चलते हैं दिल्ली की। हालांकि दिल्ली के अंतर्गत मैं यहाँ पे बात नोटिस करता हूँ, दिल्ली के अंतर्गत फोर्थ लिस्ट आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दिल्ली के अंदर 60 वैकेंसी थी के अंतर्गत आप लोग सोच सकते हो कितने बच्चों को यहाँ पे थर्ड लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे डीवी का कैंसिल होगा। तो बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे डीवी कैंसिल होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कैंसिल ही ना हो, और कैंसिल ना हो तो इसकी फोर्थ लिस्ट नहीं आए। पर हम तो यहाँ पर क्या है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं दिल्ली की कितनी जाने वाली है। तो दिल्ली की यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की 89 से लेकर 91.8% तक। ओबीसी की जाने वाली है यहाँ पे 87 से लेकर 91% तक के बीच में। एससी की जाने वाली है 84 से लेकर 85.9% के बीच में। एसटी की जाने वाली है 83.9% से लेकर 86% तक ये जाने वाली है। और ईडोलेस की यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है, ईडोलेस की यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है 84 से 86%। ये आप लोगों के यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत कट ऑफ होती है, ये आप लोगों के यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत कट ऑफ होती है यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अब देख लेते हैं गुजरात की। तो गुजराती कट ऑफ देख लेते हैं, गुजराती कितने जाने वाली है। तो गुजरात के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी गुजरात की यहाँ पे। तो गुजरात की कट ऑफ जो जाने वाली है यहाँ पे जनरल की 87 से लेकर आप लोगों के यहाँ पे 92% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की जाने वाली है 86 से लेकर 90% के बीच में जाने वाली है। एससी की जाने वाली है 84 से लेकर 86% के बीच में जाने वाली है। एसटी की यहाँ पे 80 से लेकर 82% के बीच में जाने वाली है। ईडोलेस की यहाँ पे 83 से लेकर 86% के बीच में जाने वाली है। आप चलते हैं हरियाणा, जो कि आप सब लोगों के यहाँ पे कमेंट आता है भाई हरियाणा के, तो हरियाणा की कट ऑफ बताओ। तो ये लो आप लोगों का यहाँ पे हरियाणा आ चुका है। तो हरियाणा की जनरल की यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है 93 से लेकर 95 तक। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो फोर्थ लिस्ट के अंदर इतनी हाई कट ऑफ कैसे, तो आप लोग भाई सब थर्ड लिस्ट देख लो आप लोग कितनी कट ऑफ गई है, और सेकंड लिस्ट देख लो उन्हीं के बेस के ऊपर ये मैंने कट ऑफ तैयार की गई है। तो ओबीसी की यहाँ पे जाने वाली है हरियाणा के अंतर्गत 92% से लेकर 92% के बीच में जाने वाली है। एससी की यहाँ पे जाने वाली है 85 से लेकर 87.6% के बीच में जाने वाली है। एसटी की जाने वाली है 86.87% के बीच में जाने वाली है। और यहाँ पे ईडोलेस कैटेगरी यहाँ पे जाने वाली है, ईडोलेस कैटेगरी यहाँ पे जाने वाली है हरियाणा के अंतर्गत फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत 86 से लेकर 88% के बीच में जाने वाली है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कट ऑफ जनरल की यहाँ पे 86 से लेकर 90.8% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे 87 से लेकर 90% के बीच में। एससी की यहाँ पे 85 से 86.9% के बीच में। एसटी की यहाँ पे 83.9% से 86% के बीच में। ईडोलेस की यहाँ पे 83 से लेकर 85% के बीच में जाने वाली है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखो तो जनरल की यहाँ पे जाने वाली है 85 से लेकर 88% तक के बीच में जाने वाली है।
ओबीसी की जाने वाली है 83 से लेकर 86% के बीच में जाने वाली है। आप चलते हैं दोबारा, एससी की जाने वाली है 82 से लेकर 84% के बीच में। एसटी की जाने वाली है 79 से लेकर 82% के बीच में। ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 83 से लेकर 86% के बीच में। कर्नाटक की देख लेते हैं, हालांकि कर्नाटक को कर्नाटक लिख दिया मैंने, कर्नाटक की देख लेते हैं। अब कर्नाटक की कटौती कितनी जाने वाली है, तो कर्नाटक की जो कटौती जाने वाली है जनरल की यहाँ पे 90 से लेकर 92% के बीच में। ओबीसी की यहाँ पे 86 से लेकर 89% के बीच में। अरे यार मुंह ही थक गया यार, कट ऑफ कितनी लंबी है आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ, आप भी थक गए होंगे, पर कोई ना, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा जोर लगा रहा हूँ, तो आपका भी पूरा हक बनता है, मैं आप भी पूरा जोर लगाएं मेरे साथ, आप लोग यहाँ पे कट ऑफ को पूरा वीडियो देखें मेरे साथ। तो यहाँ पे कर्नाटक की जनरल, कर्नाटक की यहाँ पे एससी की जाने वाली है यहाँ पे 84 से लेकर 85.6% के बीच में जाने वाली है। एसटी की यहाँ पे 86.87% के बीच में जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 86 से लेकर 88% के बीच में जाने वाली है। ये जो मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और देख लेना आप लोग फोर्थ लिस्ट आता ही इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कट ऑफ, ये सारी कट ऑफ यहाँ पे सही होंगी आप लोगों के साथ में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए। अब केरल की देखने वाले हैं, केरल की यहाँ पे जनरल की यहाँ पे 87 से लेकर 90.6% के बीच में रहने वाली है। और यहीं पे आप लोग बात करें केरल के अंतर्गत यहाँ पे बात करें तो केरल के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे ओबीसी की 86 से लेकर 88% के बीच में, एससी की 84 से 85.9% के बीच में, एसटी की यहाँ पे 83.9% से लेकर आप लोगों की 86% तक, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 84 से 86% के बीच में। अब देख लेते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो तेलंगाना के अंतर्गत जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे जनरल की 88 से लेकर 93% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे 86 से लेकर 90% के बीच में जाने वाली है। एससी की यहाँ पे 85 से लेकर 89% के बीच में जाने वाली है। एसटी की यहाँ पे 84 से लेकर 87% के बीच में जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 87 से लेकर 90% के बीच में जाने वाली है। अब आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो कि यार ये कट ऑफ में कितनी मेहनत से तैयार की गई होगी, तो आप लोगों का पूरा हक बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखो और मेरा पूरा दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही जो मैंने आप लोगों के लिए इतना बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटेंट बनाया है। मैंने तमिलनाडु की देख लेते हैं, हालांकि तमिलनाडु के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे खूब ज़्यादा थी इंडिया पोस्ट के द्वारा, तो जनरल की यहाँ पे आप लोगों को 92% से लेकर 95% तक दिखेगी। ओबीसी की यहाँ पे 88 से लेकर 90% के बीच में दिखेगी। एससी की यहाँ पे आप लोगों को 86 से लेकर 88.6% के बीच में। एसटी की यहाँ पे 84 से 87% के बीच में। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप लोगों को 88 से लेके 80% के बीच में यहाँ पे दिखने वाली है। अब चलते हैं आप लोगों का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये राज्य। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोगों को पता है, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आप लोगों को ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये सारे के सारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों की कट ऑफ क्या रह सकती है, वो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की गई सभी राज्यों की यहाँ पे। तो जो भी आप लोगों के उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पे, कौन कौन सी राज्य के अंदर ये कट ऑफ फॉलो होगी, अगरतला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे राज्यों के ऊपर ये वाली कट ऑफ बैठेगी यहाँ पे। तो इसके इर्द गिर्द यदि आप लोग उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर रहने वाले हो, और आप लोगों के यहाँ पे दसवीं की अंतालिका के अंतर्गत जनरल की यहाँ पे आप लोगों को जाने वाली है 87 से लेके 90.9% के बीच में। ओबीसी की जाने वाली है 84 से लेकर 85% के बीच में। एससी की जाने वाली है 82 से लेके 84.9% के बीच में। एससी की जाने वाली है 80.9% से लेके 84.8% के बीच में। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे जाने वाली है 84 से लेके 86% के बीच में यहाँ पे जाने वाली है। अब देख लेते हैं बिहार, अब बिहार के अंतर्गत तो आप लोग यहाँ पे पता ही होगा, बिहार के अंतर्गत तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है यहाँ पे बिहार के अंतर्गत, क्योंकि पढ़ने वाला काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे। तो बिहार के अंतर्गत जनरल की जाने वाली है 89.89 से लेकर आप लोगों के यहाँ पे 91.8% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे आप लोगों को 88% से लेकर 90% के बीच में जाने वाली है। एससी की यहाँ पे आप लोगों को 85 से लेकर 87.9% के बीच में जाने वाली है। और इसी के साथ ही आप लोगों को यहाँ पे एसटी की जाने वाली है 80.9% से लेकर 84.8% के बीच में जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 86 से लेकर 88% के बीच में जाने वाली है। और आगे देख लेते हैं आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य, भाई साहब
उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब इसके अंदर कट ऑफ देख लेते हैं आखिरकार, यहीं पे तो बेरोजगारी बड़ी पड़ी है, यहाँ पे हमारा राजस्थान के अंदर क्यों बेरोजगारी है और आप कौन से राज्य से मुझे कमेंट करके बता देना। तो जनरल की आप लोगों को यहाँ पे 89 से लेकर 90.9% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे 86 से लेकर 88% के बीच में जाने वाली है। एससी की यहाँ पे आप लोगों को 84 से लेकर 85.9% के बीच में जाने वाली है। एसटी की यहाँ पे आप लोगों को 79 से लेकर 81% के बीच में यहाँ पे जाने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों का ईडोलेस की कट ऑफ, किसके अंतर्गत ईडोलेस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की ईडोलेस की कट ऑफ यहाँ पे 84 से लेके 86% के बीच में रहने वाली है। तो जनरल अब राजस्थान की देख लेते हैं, हमारो राजस्थान, राजस्थान भाई राजस्थान, राजस्थान का तुम्हारो राजस्थान। तो राजस्थान, राजस्थान के अंतर्गत देख लेते हैं जनरल की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे 88 से लेकर 92% के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की यहाँ पे 85 से लेकर 87% के बीच में। एससी की यहाँ पे 83 से लेकर 84.9% के बीच में। एसटी की यहाँ पे 80 से लेकर 80.9% से लेकर 86.8% तक रहने वाली है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप लोगों को 84 से लेकर 86% के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। अब देखते हैं पंजाब, उड़ता पंजाब, पंजाब की यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। तो पंजाब की यहाँ पे जाने वाली है आप लोगों की यहाँ पे इंडिया पोस्ट की फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ पंजाब की जाने वाली है। जनरल की यहाँ पे 490 से लेकर 92.9% के बीच में। ओबीसी की यहाँ पे 86 से लेकर 88% के बीच में। एससी की यहाँ पे जाने वाली है 84 से लेके 86.9% के बीच में। और यहाँ पे आप लोगों की एसटी की जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे 79.9% से लेके 82.8% के बीच में। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 81 से लेके 83% के बीच में जाने वाली है। अब महाराष्ट्र देख लेते हैं, अब महाराष्ट्र की देखते हैं, अब महाराष्ट्र के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे जनरल की, महाराष्ट्र के अंदर कट ऑफ जाने वाली है जनरल की यहाँ पे 89 से यहाँ पे आप लोगों को 90.9% के बीच में। ओबीसी की यहाँ पे आप लोगों को 87 से 89 तक। एससी की यहाँ पे 81 से 83.9 तक। एसटी की यहाँ पे 80.9 से लेकर 83.8 तक। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 83 से लेकर 85 तक। और अब चलते हैं आप लोगों का उत्तराखंड एक जिसे राज्य है ना, तो उत्तराखंड के, झारखंड के अंतर्गत यहाँ पे जनरल की 86 से लेकर 89.9 तक। ओबीसी की 85 से लेकर 87 तक। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे यहाँ पे आप लोगों का आ गया एससी के यहाँ पे 83 से लेकर 84.9% तक। एसटी की यहाँ पे 81.9% से लेके 83.9% के बीच में। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 81 से लेके 83 तक। अब वेस्ट बंगाल हो गया है शायद ये लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे राज्य है 23 सर्कल का। तो यहाँ पे देख लेते हैं 23 राज्यों का ये लास्ट है शायद वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल की जाने वाली है 88 से लेकर 93.9% के बीच में। ओबीसी की जाने वाली है 85 से लेके 86% के बीच में। एससी की जाने वाली है 82 से 84.9 तक। और एसटी की जाने वाली है 80.9 से लेकर 83.8% तक। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बात करें तो 84 से लेके 86% तक ये कट ऑफ जाने वाली है। अब ये जो कट ऑफ खत्म हो गई आप लोगों की यहाँ पे, आप लोग खुद देख पा रहे होगे यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ की यहाँ पे बात करी है। तो वेस्ट बंगाल की बात कर ली यहाँ पे, वेस्ट बंगाल के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने झारखंड के साथ में महाराष्ट्र की बात कर ली यहाँ पर, महाराष्ट्र के साथ में आप लोगों को यहाँ पे पंजाब की बात कर ली, पंजाब के साथ में राजस्थान की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, और आप लोगों का बिहार की बात कर ली, और ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट के राज्य की बात कर ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे यहाँ तक कि मैंने लगभग आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे जो भी आप लोगों के 23 सर्कल थे, जो भी मुझे लगता था कि इस राज्य की यहाँ पे कट ऑफ ये हो सकती है, तो आपकी मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करी है। अब आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोगों का इस वीडियो के ऊपर प्यार मिले, आप सब लोगों को यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और डाक विभाग जीडीएस रिजल्ट 2022 से लेकर आप लोगों की यहाँ पे फोर्थ लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है, अभी भी जारी हो सकते हैं, इस वीडियो के तुरंत बाद जारी हो सकते हैं, इस वीडियो के भीतर ही जारी हो सकती है, कभी भी आप लोगों के यहाँ पे फोर्थ लिस्ट आ सकती है। तो ये था आज का ये वीडियो, और ये आप लोगों का आज का ये वीडियो लास्ट एंड फाइनल वीडियो आप लोगों का जीडीएस रिजल्ट 2022 को लेके, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि मैंने एक से लेके पूरे आठ वीडियो बना दिए 23 राज्यों की, और ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो था जो कि जीडीएस रिजल्ट 2022 को लेके मुझे बनाना था। तो ये हुई आप लोगों की 23 राज्यों की कट ऑफ। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप सब लोगों ने इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद, और लास्ट तक देख रहे हो तो आपको और भी धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियो।